हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम स्मार्टफोन के रिलेटेड किसी भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है एप्पल का या फिर सैमसंग का। दोस्तों, एप्पल का यहाँ पे कुछ ऐसा हाल है कि उन्होंने अपने स्मार्टफोन्स में वर्टिकल कैमरा क्या लगा दिया, अब सारे कंपनी यहाँ पे उसे कॉपी करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में जब भी हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हो सकता है आपके दिमाग में एप्पल और सैमसंग से पहले वीवो का नाम आए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वीवो दोबारा बहुत ही बड़ा कमाल करने जा रहा है। इससे पहले वीवो ही वही कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया था जिसमें आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ये कमाल ना ही अभी तक सैमसंग ने किया और ना ही एप्पल ने, लेकिन वीवो ने यहाँ पे इसे कर दिखाया है। दोस्तों, यहाँ पे हम वीवो की चाहे कितनी भी खिंचाई करें उनके ओवर प्राइस स्मार्टफोन की वजह से, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ पे वीवो कमाल पे कमाल करते हुए जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे MWC में वीवो ने अपना एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन को दिखाया है जिसका नाम है वीवो एपेक्स। और इस स्मार्टफोन की चार बड़ी हाईलाइट यहाँ पे निकल के आई जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। और आगे चल के अगर आपको कोई पूछता है कि स्मार्टफोन का फ्यूचर क्या होने वाला है तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वीवो एपेक्स होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो एपेक्स के बारे में और वो चार बड़ी हाईलाइट यहाँ पे क्या है स्मार्टफोन को जो इतना इंटरेस्टिंग और इतना स्पेशल बनाते हैं। दोस्तों, आगे चल के अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो का लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, यहाँ पे हम वीवो एपेक्स की सबसे पहली हाईलाइट के बारे में बात करते हैं, वो है इसका स्क्रीन। दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन हो सकता है जिसमें आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 98% मिल सकता है, यानी कि सामने की तरफ आपको सिर्फ पूरा का पूरा स्क्रीन मिलने वाला है और यहाँ पे बेजल बिल्कुल ना के बराबर है। ये 6 इंच की स्क्रीन होने वाली है और 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगा। तो ऐसे में भी आप सोच रहे होंगे कि फिर इसका स्पीकर कहाँ गया, ईयर पीस कहाँ गया, तो वो इस स्मार्टफोन की दूसरी बड़ी हाईलाइट है। दोस्तों, यहाँ पे जो सामने का स्क्रीन है वो पूरा का पूरा स्क्रीन साउंड को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वो स्क्रीन वाइब्रेट होकर यहाँ पे साउंड को निकालेगा। तो ऐसे में अभी आपका प्राइवेसी यहाँ पे कितने हद तक इसको प्रॉब्लम हो सकती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और कैसे वो वीवो इसे यहाँ पे मैनेज करने वाला है वो उसे अभी देखना पड़ेगा। लेकिन जो स्क्रीन है वो फिलहाल वाइब्रेट होके साउंड को यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरी बड़ी हाईलाइट है इस स्मार्टफोन की वो है इसका कैमरा। आप सामने से देख लीजिए, आप पीछे से देख लीजिए, कहीं भी आपको इसमें कैमरा दिखाई देने वाला नहीं है। इसे वीवो ने नाम दिया है लिफ्ट कैमरा, यानी कि जो कैमरा है वो आपको ऊपर के तरफ स्लाइड होके आने वाला है। जैसे ही आप कैमरा को ऑन करेंगे तो ऊपर के प्लेसमेंट से जो कैमरा वो स्लाइड होके ऊपर आएगा और जिससे आप बहुत ही आराम से वीडियो भी बना सकते हैं और फोटोज भी खींच सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को यहाँ पे लगा है। और काफी हद तक देखा जाए तो जितने भी स्मार्टफोन आजकल आ रहे हैं उनका जो कैमरा का जो बम्प है वो काफी ज्यादा हद तक बाहर निकल चुका है, जिससे होता है कि दोस्तों हमको मैंडेटरी कोई ना कोई बैक केस को यूज करना पड़ता है, और अगर हम बिना बैक केस का अगर फोन को यूज करते हैं तो उस कैमरा के लेंस के ऊपर स्क्रैचेस आने का बहुत ही ज्यादा डर रहता है। तो वीवो के इस स्मार्टफोन में ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। दोस्तों, इसकी जो चौथी सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर फिंगर लगा के यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरा हाफ स्क्रीन यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर के जैसे काम करेगा, यानी कि आप बहुत ही आराम से स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी अपने फिंगर को लगा दीजिए और जो फोन है वो अनलॉक यहाँ पे हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहाँ गया। दोस्तों, पूरा का पूरा स्क्रीन यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के जैसे काम करने वाला है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों काफी एक्साइटिंग हूँ इस फोन के लिए, जब भी ये फोन लॉन्च होगा और फाइनल आउटपुट जब ये निकल के आएगा। फिलहाल ये अभी प्रोडक्शन लेवल में भी मेरे ख्याल से नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब भी ये फोन आने वाला इस साल हो या अगले साल हो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप प्लीज कमेंट करिए, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।